हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और आज का दिन जो 10 अक्टूबर है वो मानसिक रोगों को कैसे हम सुलझाएं उसके ऊपर मनाया जाता है और इसके बारे में आज बहुत जगहों पर अवेयरनेस प्रोग्राम आज चलाए गए थे, जिसमें जिला स्तर पर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके कुछ साइन और सिम्टम्स भी हैं जिसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि क्या किसी को मानसिक रोग है, और ये बहुत कॉमन होते हैं जिसमें अगर हम अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या किसी को मानसिक रोग तो नहीं, और अगर है तो हम उसको सही जगह पर रेफर भी कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर मानसिक रोग का अगर हम कहीं पर भी इलाज कराते हैं तो वो बहुत महंगा है और इसका आगे का जो प्रोसेस अगर कंटिन्यू करें तो वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके के किसी भी रोगी को देख रहे हैं या उसके साथ हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं और उसको अपने नज़दीक के जिला अस्पताल में भेज सकते हैं। एक और ज़रूरी बात आपको बता दूँ कि पहले हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, आज के समय में अब ये हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता है ये सेंटर ना हो, बट ऑलमोस्ट जितने भी भारत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इस तरीके के सेंटर्स खोले गए हैं जिनको मेंटल हेल्थ का एक सेंटर बोला जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य इकाई या मेंटल हेल्थ इकाई, इस तरीके के उनके नाम रखे गए हैं। वहाँ पर आप जैसे जनरल हॉस्पिटल में आप पर्चा बनवा के डॉक्टर्स को दिखाते हैं, ऐसे ही आप वहाँ पर भी पर्चा बनवा कर वहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके कुछ साइन सिम्टम है उनको देख लेते हैं और फिर हम आपको ये भी बता देंगे कि इसमें अगर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जहाँ पर इंस्टेंट हेल्प भी आपको मिल सकती है वो क्या क्या है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट जरूर करें जिससे हम उनके जवाब भी आपको दे पाएँ। तो चलते हैं फिर इसको देख लेते हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या है। नॉर्मली अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें है नींद ना आना या देर से आना, उदास या मायूस रहना, चिंता घबराहट, उलझन या फिर बेवजह गुस्सा करना, मिर्गी के दौरे पड़ना या शक से ग्रसित रहना या एबनॉर्मल बिहेवियर, सिर में दर्द या भारीपन महसूस होना, बुद्धि का कम विकास होना और वृद्धों में भूलने की समस्या का होना या किसी प्रकार का नशा छुड़ाना। अगर इस तरीके की समस्याएं हैं तो ये सारी समस्याएं आपके नज़दीकी जिला अस्पताल में सॉल्व हो सकती हैं और वो भी बहुत ही आसानी से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप किसी को भी ये सलाह दे सकते हैं, सीधा रेफर भी उसको कर सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन नंबर है 7248215922। किरण हेल्पलाइन नंबर है 1800500019, जिसे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आत्महत्या रोकथाम के लिए जो नंबर है वो है 07248214822 और ई संजीवनी ओपीडी, जिसको www.esanjeevaniopd.in। इन पर आप कभी भी कॉल करके इंस्टेंट हेल्प ले सकते हैं। तो आज का दिन जो अवेयरनेस के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए है कि आप अपनी भी मदद कर पाएँ, दूसरों की भी मदद कर पाएँ, उन्हें राइट प्लेस पर भेज पाएँ। तो अगर आपके आसपास कोई इस तरीके का व्यक्ति है या आपके घर में है या आप खुद इस तरीके की समस्या को महसूस करते हैं तो आप अपने नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर इस तरीके की इकाइयाँ अब बनी हुई हैं जहाँ पर इस तरीके के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। अभी अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगले आने वाली वीडियोस में हम कुछ नेचुरल रेमेडीज पर भी बात करेंगे और कुछ नेचुरल प्लेस पर भी लेके आपको चलेंगे। तो टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।